find the number of straight lines. Find the number of straight lines passing through 2, 4. Passing through 2, 4. ठीक है ना भाई? And forming triangle of passing 2, 4 and forming a triangle of ठीक है ना 16 square centimeter area. ठीक है ना? With coordinate axis. ठीक है ना? With coordinate axis. ठीक है भाई? अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन अपन लोगों ने किए हैं अभी तक. एक बार लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेता हूं. हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर भाई दो कोई एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में कोई ट्रायंगल बना रही है जिसका एरिया इतना है. ठीक है ना? पूरे क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो है नंबर ऑफ लाइन्स. कितनी ऐसी लाइन है दुनिया में? ठीक है ना भाई? हाँ, अभी देखते हैं कितनी है ना. अब ये पैरेलल वाला क्वेश्चन नहीं है. पिछली बार हम लोगों ने दो पैरेलल को और एक परपेंडिकुलर का सेम ऐसी टाइटल का क्वेश्चन किया था, याद है आपको? है कि नहीं? अच्छा, अब की बार ये वाला कोई पॉइंट है 2.4 जिससे एक लाइन पास आउट हुई है. इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे इस लाइन के बारे में और कुछ नहीं दिया गया. सिर्फ ये बता दिया गया कि इससे कोई लाइन पास आउट हो रही है, बस इसके अंदर कुछ नहीं है. तो सबसे पहले तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि साहब अगर आपकी बात सही है तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन पड़ी है y-4 = m x - 2, क्योंकि m के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता. m दिया ही नहीं था, कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है. अब मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि अगर मेरे पास में लाइन की इक्वेशन ये है तो आप में से सभी को ये भी पता होगा कि अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो मेरे पास ये पॉइंट मौजूद है. कैसे बताएं? इस पॉइंट पर मेरे को पता y की वैल्यू जीरो होगी. डायरेक्ट बात कर रहा हूं, अगर y की वैल्यू जीरो होगी तो m इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में ये नीचे चला जाएगा. हाँ या ना? अरे सोचो ना, मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले पुटिंग है ना, क्या y इक्वल टू जीरो. अगर मैंने y इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो आपको सबको पता चल गया -4 बराबर में m, ठीक है, इंटू में x-2. थोड़ी देर बाद में आप इस m को नीचे जाता देख रहे हैं और इस 2 को इधर उचकता देख रहे हैं, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर में 2 - 4/m. सोचो, है कि नहीं? ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, कितना हो गया? 2 - 4/m पुट कर दिया, है ना भाई? अच्छा, दूसरा काम कर रहा हूं, ये तो हुआ फर्स्ट अपना. दूसरा काम कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट को भी निकाल के दे रहा हूं. इस पॉइंट पे x की वैल्यू जीरो होती है. अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूं तो यहां दिखेगा y-4 = m (-2). सोचो, है कि नहीं? तो लिख देता हूं पुटिंग x = 0 पुट किया, राइट है? इससे आप में से कई लोगों को y बराबर में कितना दिखने लग गया? 4 - 2m दिख गया कि नहीं दिख गया? और अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं इस वाले पॉइंट को लिखता हूं 4 - 2m, बराबर है ना? यहां तो कोई दर्दनाक बात तो नहीं हुई. अच्छा, लेकिन आप में से सभी लोगों को यह चीज का भी आभास हो गया होगा कि मैंने आपको ये लंबाई दे दी. क्या ख्याल है? क्या हुआ? सेवल लेंथ पड़ गई. क्या हुआ? सेवल लेंथ पड़ी है 4 - 2m. क्या ख्याल है? आप में से किसी को याद है एरिया इज इक्वल टू में एक्स इंटरसेप्ट इनटू वाई इंटरसेप्ट, है कि नहीं भाई? तो एरिया है ना. अब देखो ये खुद ही अपने जाल में उलझ सुधार है, पहला काम. दूसरा काम, अब मैं आ रहा हूं तीसरे काम पे. तीसरा काम क्या मेरे पास में? तीसरा काम है एरिया. एरिया कितना दे रखा सरकार ने? 16. तो याद है हाफ इंटू में कितना? एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट बोले तो 2 - 4m, 4/m. इंटू में वाई इंटरसेप्ट बोले तो 4 - 2m इज इक्वल टू में कितना? +-16. अरे अरे, आपने तो रोका मेरे को, याद आ गया? +-16 से किसी को परहेज तो नहीं? अच्छा, याद है? इससे तुरंत दीवारें खड़ी हो गई, पता चल गया? इधर की तरफ पॉजिटिव साइन वाली दीवार, उधर की तरफ नेगेटिव साइन वाली दीवार, राइट भाई? अच्छा, अब और दिमाग लगा रहे हैं. कैसे दिमाग लगा रहे हैं? 2 उधर जा चुका है, ठीक है. आप में से कई लोगों को जिनको मल्टीप्लाई करना आता है वो जुगड़ चुके हैं, ठीक है ना? उनको 8 दिख गया होगा, ठीक है. माइनस के अंदर कितना दिख रहा है? 16/m दिख रहा होगा. अच्छा, और ये तो किसकी मल्टीप्लाई कर डाली? इसकी, है कि नहीं? अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का कितना? 4m, ठीक है. और इसकी इसकी मल्टीप्लाई क्या दे देगी? प्लस का. इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है प्लस का 8 = 16. जब हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव साइन. और जब मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूं, टाइम से रोकने के लिए शुक्रिया. अच्छा, यहां पे देखो जरा, इधर क्या हो चुका होगा? जिस दिन माइनस ले लूंगा तो क्या हो जाएगा उस दिन? यही सारा सामान यही होगा, इधर भी
इधर में लिख लेता हूं 8 माइनस कितना 16 बटा m माइनस का 4m, ठीक है ना, प्लस का 8 इज इक्वल टू में कितना माइनस 32 बैठा भाई। अच्छा तब तक इधर वाले पे दिमाग लगा ले, सबको बताइए 8 और 8 इसका भला करने के लिए आए कि तेरे पास सिर्फ 16 रहेगा हमारे रहते हुए, ठीक है ना। अच्छा और ये भी माइनस का 16, जो विचारवान पुरुष है वो देख रहे हैं कि 16 बटा m हो रहा है और प्लस में कितना 4m हो रहा है। हाँ यार थोड़ी देर बाद में हमको क्वाड्रेटिक दिखने लग गई है, अगर उनको क्वाड्रेटिक दिख रही है तो उम्मीद है कितना दिख रहा होगा 4 भी हटा देता हूँ, बोलो तो कम करो ना जितना बोझ कम करके ले जाओ, है ना भाई। यहाँ पे कितना देखा m स्क्वायर, अरे कहां से लगे है m स्क्वायर माइनस का प्लस का 4m सोचो है ना, और प्लस का कितना 4 बराबर में 0। और दुनिया को अचानक से लगने लग गया उन्होंने कहीं m प्लस 2 का होल स्क्वायर तो नहीं देख लिया, हाँ है ना। इससे m की कितनी वैल्यू मिलने लगी, एक ही, क्या करें हम, एक ही सॉल्यूशन आया। अरे वो स्क्वायर होने की वजह से दो मान ले तो रूट है, दो सॉल्यूशन तो एक ही है, नहीं है, है ना भाई। अच्छा अब जरा दूसरे वाले पे भी चर्चा कर लें, उम्मीद है ये 8 और 8 बताता भला करने के लिए आए, अब की बार 48 दे देंगे। सही भाई यहां पे दुनिया को दिखने लग गया कितना माइनस का 16m माइनस का 4m, उधर की तरफ जाके कितना माइनस का 48 है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, देखो दुनिया उधर वाले बोर्ड पे देख रही है कि नहीं, मैं इधर हूं है कि नहीं, हाँ पता नहीं। अरे यार है कि नहीं, बीरिंग खराब होता है जैसे कुर्सी का, ठीक है ना। अच्छा क्या है, हालांकि एक दो ही होते हैं लड्डू में इलायची जैसे, लेकिन फिर भी है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको पता होगा ये कितना हो गया m स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में कितना 12n, ठीक है ना। अच्छा और क्या बचा रहे, प्लस का 4 इक्वल टू 0। अरे इससे तो आप ही कर लेना, कर लोगे ना आप, तो बहुत स्मार्ट हो, कर लोगे तो ठीक है। इससे कितनी वैल्यू मिल सकती है, अगर मिलेगी तो पक्का कैसा पता, मिलके ही रहेंगी क्योंकि इसका डी पॉजिटिव दिख रहा है, कईयों को, कईयों को डी पॉजिटिव दिख रहा है। 144 अकेले काफी है, 4 कितना भी उचक ले है कि नहीं, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर देखा जाए तो m की दो वैल्यू यहां से मिली, एक वैल्यू यहां से मिली, माने m के नाम पे कितनी वैल्यू आएंगी, 3। अगर 3 वैल्यू आएंगी तो 3 वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, तो कितनी स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, 3। 3 स्ट्रेट लाइन होंगी, माने ऐसी 3 स्ट्रेट लाइन है दुनिया में जो हमारे को इतना एरिया दे रही है, ये 4 नहीं है। लोग यहां पे गलती से 4 कर बैठते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं वो ही पैरेलल वाला कंसेप्ट सिर्फ दोंगी, दोनों तरफ गलत कर जाते हैं, एग्जैक्ट 3 पड़ती है, फिर यही यही तो माहौल मचा लेता है, पेपर में आता है और बच्चे का होश उड़ जाता है कि यार ये क्या हो गया, पकड़ में आ गया है ना, डू इट, इसको कर जरूर लेना, लेकिन आप इसके बाद चलें, यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, टू वैल्यूज ऑफ एन, टू वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, इंप्लाइज, ठीक है, टोटल 3 वैल्यूज ऑफ एन, 3 वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना, इट इंप्लाइज 3 लाइंस पॉसिबल, जरूर लिख लीजिएगा, और इसके नीचे आप एक नोट डाल करके लिखिएगा फटाफट से, ठीक है, यहां तक लिख लिया तो नोट डाल लीजिएगा, नोट में लिखिएगा व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ट्राई टू, whenever we have to find number of straight lines, try to convert an equation in m, try to convert an equation in m, ठीक है ना, in m, 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 मनोज वाला m, ठीक है भाई, हाँ नहीं वो कई बार नोज वाला m सुना जाता है तो समझ में नहीं आता ना, try to convert, ठीक है ना, इनवर्ट एन इक्वेशन इन एम, नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस विल गिव नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, number of real roots of these equations will give
नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना भाई। अच्छा अगले क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मारो भाई, फाइंड लिखिएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है भाई फाइंड, बहुत ही अच्छी बात सुनने को मिलेगी हमें से कहीं, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस विद जॉइन द ओरिजिन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन सॉरी स्ट्रेट लाइन विद जॉइन द ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, दोबारा बोलू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद जॉइन द ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन, ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, ठीक है ना, इंटरसेप्टेड बिटवीन पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये एक बड़ा ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं इसका मतलब समझ में नहीं आता, एक बार जरा दोबारा से, क्योंकि अब आपने लिखा तो एक बार पढ़ लें, जिन लोगों को हिंदी में अनुवाद आता है वो जरा जल्दी से देख लें। क्वेश्चन वाला कहता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि ओरिजिन को जोड़ती है और जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या भावार्थ है, दोबारा सुनना, दोबारा दोबारा दिमाग लगाना, क्या बोला ये, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक तो लाइन बतानी है जो कि ओरिजिन से जुड़ती हो, और क्या बताना है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ यह है कि आपने से किसी ने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, पहली बात आपसे एक वर्ड यूज पूछता हूं, बस सिंपल एक वर्ड पूछूंगा, किसी को अगर याद हो तो इंटरसेप्टेड का क्या मतलब होता है, हाँ भाई अब देखना जरा, ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, अब कहानी क्या है, आपके पास में ऐसी लाइनें निकली, ऐसी ओरिजिन से लाइनें निकल रही हैं जिनकी आपको इक्वेशन बतानी है, और जो क्या कर रही है, जो इस लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है, इंटरसेप्ट, जैसे ये एक इंटरसेप्ट बताया था ना मैंने आपको, मैंने कहा था ना ये इंटरसेप्टेड पार्ट है, इसका मतलब ये कि ये अगर एक लाइन है तो उसको ओरिजिन वाली लाइनें भी इंटरसेप्ट मार रही हैं, ये इंटरसेप्ट करना कहलाता है, ये इंटरसेप्ट करना कहलाता है, तीन हिस्सों में बांट देना, बीच में काट देना, लाइन को बीच में से काट देना, जैसे सपोज अगर बाय द वे ये डायग्राम होता और एक लाइन जाती तो हम कहते कहां कटा, कटने का होता था दो हिस्सों से बिल्कुल अलग हो गया, बात पकड़ में आई, अभी कहां कटा, अभी तो कुछ नहीं कटा, कटेगा तो तब जब ये बीच वाला हिस्सा कट के निकल जाएगा, कहानी पकड़ में आई, इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये कि पूरी कहानी एक चलता फिरता धोखा है, अगर बाय द वे इसको यूं कटवाना है तो हमारे को बताना पड़ेगा किस रेशो में काटे हैं, हमको क्या पता किस रेशो में काटना है भाई, ठीक है ना, और अनटिल आई एम नॉट नोइंग द रेशो तो मैं सिर्फ एक ही बात समझ सकता हूं कि अगर इसने नहीं बताया इसका मतलब ये कि ये ट्राइसेक्शन चाहता है, क्योंकि मेरे को हर हालत में पूरी कहानी को तीन हिस्सों में तो बांटना ही पड़ेगा, और तीन हिस्सों में बांटना पड़ेगा तो मैं ट्राइसेक्ट करूंगा, ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल इक्वल रेशो, क्योंकि अगला बोला नहीं, बात पकड़ में आई, तो ये क्वेश्चन का असली मीनिंग होता है कि फाइंड द लाइन, फाइंड द लाइंस दोज हु आर ट्राइसेक्टिंग द गिवन लाइन, ऐसी लाइनें बताओ, माने ये दो लाइनें बताओ जो दी गई लाइन को ट्राइसेक्ट करती हो, बात पकड़ में आई आपको, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इंटरसेप्टेड करना मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको हिंदी में लिखिएगा, बकायदा इंटरसेप्ट करना मतलब गिवन लाइन को ठीक है ना बीच में से कट कर देना, गिवन लाइन को बीच में से कट कर देना, ठीक है, उसके बाद में ये वाली फोटो लगा देना, ठीक है, लाइक दिस,
ठीक है, लाइक दिस हो गया। अच्छा अगर इसकी तरह से तो सोच रहे हैं, फटाफट सोच रहे हैं लाइक दिस हो गया। अब काम की बात कर रहा हूं, ये फोटो बना दी, छोटी सी एक फोटो बना देना कहीं पे भी, और उसके बाद में लिख देना बट हेयर इसी फोटो के आजू बाजू कहीं लगा देना, वहां से लिख देना बट हेयर इट इज नॉट गिवन दैट इन विच रेशियो वी नीड टू इंटरसेप्ट But here it is not given that in which ratio we need to intercept. किस रेशो में काटना है हमारे को नहीं दिया गया सब। So using ट्राइसेक्शन को जरा थोड़ा बोर्डली लिख लेना। So using ट्राइसेक्शन ऐसा मैं कहता प्रॉपरली लिख लेना ताकि अपने को याद रह जाए कि साहब कहानी में ट्राइसेक्शन एक रफ यूज है इसका, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात सुनेगा, बट सो यूजिंग ट्राइसेक्शन, यहां तो कोई दर्दनक बात नहीं ना, अच्छी ये तो यहां तक तो समझ में आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा अब जरा अब अपन आ जाते हैं मुद्दे पे, ठीक है ना। सो यूजिंग ट्राइसेक्शन अब आ जाते हैं, मान लेते हैं अपने ट्राइसेक्शन ही करना था। अच्छा कितने लोगों को पता है ये अपने पास में क्या क्या गिवन है, एक बार जरा जल्दी से देख लो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं, ठीक है ना। अच्छा ये एक सेकंड, पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन। अच्छा इसके क्वेश्चन में एक लाइन और लिखना, इफ लाइन इज है ना, इफ लाइन इज बस इतना सा लिखना है, इफ लाइन इज एक्स प्लस 3y-12 = 0 बस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन तो दी ही नहीं थी, ठीक है ना। हाँ पहले मैंने थ्योरी इसलिए लिखवा दी है क्यों, क्योंकि है ना ये मतलब एक जबरदस्त क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा जाता है, और अपने को समझ नहीं आता अच्छा ट्राइसेक्शन की बात कहां से आ गई, पूरी कहानी में ट्राइसेक्शन कहां से आ गया, तो पूरी कहानी का बोल्ड बात है ट्राइसेक्शन। अच्छा फिलहाल जिन लोगों को पता है वो ये भी जानते हैं कि ये अपने आप में ये होता है, पहले तो हाँ या ना, फिर कुछ बच्चे ये भी जानते हैं कि ये अपने आप में ये होता है, और कुछ बच्चे ये भी जानते हैं कि ये होता है और ये होता है, फिर कुछ लोगों को ये पता चल गया कि ये तो ये होता है और ये तो ये होता है कि नहीं भाई। अच्छा सबको ये पता चल गया 1 1 1 है कि नहीं भाई, और कई बच्चे बहुत बढ़िया दिमाग वाले हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि अगर देखा जाए गैप, ट्राइसेक्शन बोले तो गैप दिखा, एक बार जरा गैप देख लें अपन, ठीक है ना, -12, -12.4 डिवाइड बाई 3 कर दो भाई, डिवाइड बाई 3। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो गया -4 और कितना 4/3 राइट है भाई। सो अपना पहला पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ए की बात करता हूं इसको, ए इसको बी नाम दे दिया है ना भाई, ए पॉइंट क्या निकला बोलो, ए पॉइंट देखो सोचते हैं क्या करना है ना, एक से 0 से 12 तक आ रहा हूं, बढ़ रहा हूं कि घट रहा हूं, बढ़ रहा हूं है ना भाई, तो मेरे को 4 बढ़ाना है सही है, या यू कह सकता हूं कि 12 से 4 कम करना है ऊपर की तरफ जाते समय, ठीक है। तो पहली बात अगर चाहो तो बी के बारे में बात कर सकता हूं, बी में 4 कम करता हूं तो 4 कम करते कितना रह जाएगा 8, और यहां पे कितना रह जाएगा 4 है ना भाई, तो ये तो हो गया कितना 8, ये तो हो गया 4 और ये हो गया 8। अच्छा इधर आते हैं जरा, इधर 4/3 का हिसाब किताब करना है, तो 0 से देखो ऊपर तक जाना है, 4/3 ऐड करता हुआ राइट है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4/3 और यहां पे कितना हो जाएगा, कितना 4/3 + 4/3 बोले तो 8/3 और यहां कितना हो जाएगा 12/3, अरे 4/3 और जोड़ो ना 12/3 बोले तो 4 पॉइंट पकड़ में आया, तो अपनी तरफ से पॉइंट क्या लिख लेंगे, पॉइंट लिख लेंगे कितना 4/8/3 और दूसरी तरफ से कितना 4/3, क्या मुश्किल है। अच्छा अब एक और काम की बात सुने, अगर ये ए और बी हैं, अगर ये ए और बी हैं, थोड़ा सा दिमाग और स्ट्रॉन्ग करते हैं अपन लोग, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये लाइन की इक्वेशन वाई बराबर एमएक्स हाँ या ना, वाई इक्वल टू एमएक्स होगी, और इस लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एमएक्स हाँ या ना। अच्छा लेकिन दोनों का एम अलग अलग होगा, इसमें वाई की वैल्यू कितनी है 4/3 इजिकल टू में एम इंटू में एक्स की जगह कितना होगा 8, तो मेरे पास इसका एम ही आ गया, लोग एम की वैल्यू लगाने के लिए 8 को नीचे लगा दूं, 8 को नीचे लगाते एम इजिकल टू कितना 1/6 हाँ है ना। अच्छा बोलो इसका एम, बोलो इसका एम अगर बोलते हो तो क्या लिखो, बोलो एक सेकंड कैसे निकालो, वाई की जगह 8/3 इजिकल टू कितना एम इंटू एक्स की जगह कितना 4, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, कितना ये 4 को नीचे लगाते 2/3 सही है ना। अच्छा कितने लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब, लाइनें आ गई, लाइनें कौन कौन सी है, पहली लाइन की इक्वेशन बोलो बोलो y = 1/6x y = mx, इस लाइन की इक्वेशन बोल दो चलो खत्म।
अगले ने पूछा था इक्वेशन ऑफ लाइंस बताओ, मैंने बता दिया, पॉइंट भी बता दिए, ठीक है। तो अपन लिख लें पहला काम, मैंने क्वेश्चन में पूरे नहीं लिखा था क्योंकि पहले वो ट्राइसेक्शन को समझा रहा था, ठीक है, इसलिए लाइन बताई मैंने बाद में। मैं ये तो लिखा था कि एक क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ो, इफ लाइन इज दिस। अगला क्वेश्चन ले लें, अगला क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। फाइंड लिखिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, ठीक है ना, पासिंग थ्रू 1, 2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड मेकिंग इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड मेकिंग 45 degree एंगल, मेकिंग 45 degree एंगल विद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10 है ना भाई। मैं कुछ जरा फोटो समझा देता हूं, ये थोड़ा अलग तरीका, वाकई में ये डेडलीस्ट क्वेश्चन होते हैं ये जो, अब ये ना थोड़ा स्लिपी है, थोड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना कहानी क्या है। देखो साहब ये कोई एक लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, एक बार लिख लेते हैं जरा जल्दी समझना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 ये करके कोई एक लाइन है, राइट है। ये कह रहा कोई दुनिया में ऐसी लाइन बताओ तो इसके तो 45 degree का एंगल बना के भाग गई, ठीक है, कोई बात नहीं ले भाई, ये एक लाइन है मैंने अपनी तरफ से ले ली, ये वो पॉसिबल लाइन है, ठीक है ना, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, ठीक है। उसने कहा कैसे पता, चलो इसने 45 degree बनाया ना, ठीक है, ये 45 degree का एंगल बना दिया, आप इसी को तो ढूंढ रहे हो, ये पॉसिबल लाइन है, सही ना भाई। तो दूसरे ने कहा सर एक और भी तो हो सकती है, ऐसे भी तो ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां से भी बन रहा है 48 degree, आपने थोड़े बोला किधर से बनाना है, हाँ या ना, और कोई हो ही नहीं सकती, नहीं किधर 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 किधर, अरे यूं अगर, अरे दिमाग तो लगा, एक मिनट मेरे को जरा इसको थोड़ा फिर आपके लिए और चतुराई के साथ रखना पड़े, ये अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं भाई, अच्छा कोई भी एक लाइन जो बना के जा सकती थी 48 degree का एंगल वो ऐसे हो सकती थी, ये 45 degree का कौन हो गया, या फिर वो ऐसे हो सकती थी। अच्छा अब आप किधर से बता रहे हैं 48 degree, इधर से, ये इधर से ना, अब जरा देखिएगा कि आपको ये नहीं लगता कि ये दोनों तो हायर हम पैरेलल होगी, हाय यार, अरे ये तो पैरेलल होगी, नहीं है समझ में, तो क्या जरूरत है फूक करने के अंदर इतना दिमाग लड़ाने की, ये तो एक ही लाइन हो गई, जरूरत ही क्या है। मैंने इसलिए आपको दिखा दिया, मैंने कहा ये थोड़ा आपके लिए जरूरत की चीज है, ठीक है, अच्छा ये नहीं, ये मेरे भी दिमाग में आया करता था, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा चलो आगे चल रहे। अच्छा ये अगर भाई 48 degree इसकी, इसके बारे में हमारे को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक चीज का आइडिया है, इस लाइन के बारे में आपने सभी तो बताया इसका M1 कितना है, माइनस, अब तो सही बोल दिया करो, 2/3 है कि नहीं भाई। अच्छा इसका M मुझे पता नहीं है तो मैंने इसके M को M2 मान लिया, अच्छा लेकिन मुझे ये चीज पता चल गई क्या, कि अगले दोनों के बीच का एंगल कितना है 45, तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ 10/45 भैया देखो इधर, 10/45 भैया ने इधर की तरफ देखा, हमने कहा लो M2 माइनस M1 का मॉड अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस M1 M2 बढ़ दें समान, अगर भाई तो मैंने M2 की जगह तो M2 ही चिपका रखते हैं और माइनस में M1 की जगह कितना रखूंगा, M1 की जगह तो प्लस का कहता हूँ 2/3 और नीचे की तरफ 1 - 2/3 M2 कर दूं, इज इक्वल टू में प्लस माइनस 1 उधर से और इधर से, और सर ये इधर से और उधर से का प्लस 1 और माइनस 1, हाँ ये एग्जैक्टली, ठीक है ना, अच्छा कर लो आगे तो सुन, मेरे से क्यों करवा रहे, देखो ट्राई तो करो, दो केस कौन कौन से लेने थे ये तो पता चल गया, एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1 करो फटाफट फटाफट आगे चले, एक का M2 कितना गया 1,
पहला आंसर तो है 1/5 आगे क्या अच्छा दूसरा मिला लेते हैं M2 प्लस के अंदर कितना 2/3 इधर की तरफ देखा जाए तो 1 माइनस में कितना 2/3 M2 राइट भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 प्लस के अंदर कितना 2/3 M2 ठीक है ना इज इक्वल टू में कितना हो गया M2 प्लस में 2/3 है ना भाई अच्छा इधर की तरफ देखा जाए तो माइनस का 1/3 M2 और इधर की तरफ अगर इसको भेजते हैं तो कितना हो गया 5/3 3 से 3 कैंसिल आउट तो M2 इज इक्वल टू माइनस 5 M2 इज इक्वल टू माइनस 5 सही भाई है ना ये है ना एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये मुश्किल लगा है ना बट ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है वाकई में अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना अगला क्वेश्चन लिखिए अगला क्वेश्चन आ जाओ अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू मैं इसलिए चीज तेज बोल देता हूं क्योंकि आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन को अपन बोलते हैं ई ऑल ठीक है ना हाँ तो फुकड़ में फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -7 एंड मेकिंग एंगल ठीक है ना टेन इनवर्स 3/4 टेन इनवर्स 3/4 विद लाइन ठीक है ना 4x प्लस में कितना 3y = 3 4x + 3y = 3 हाँ भाई फोटो बनाओ फटाफट ये धोखा है नहीं अरे नहीं वैसा नहीं कर रहा मैं बस ये कह रहा हूं ये धोखा है अपने लिए वो जो पिछली बार 45 दे रखा था अब की बार कोई थीटा दे रखा बस ये मान लो आप तो ये कोई एक लाइन है पॉसिबल लाइन ले लू ये वाली सही है और दो लाइन है एक तो यो जारी होगी और एक यो जारी होगी ठीक है ये वाला एंगल जो है थीटा मान लेता हूं क्यों क्योंकि थीटा को मैं क्या ले लेता हूं 10 इनवर्स कितना 3/4 जैसा आपको सबको समझ में आ गया होगा तो 10 थीटा बोले तो कितना 3/4 और 10 थीटा बोले तो M2 M1 है ना भाई तो अपने पास M1 पड़ा हुआ है अच्छा M1 थोड़ी ना पड़ा है थीटा पड़ा है थीटा ठीक है ना थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 पड़ा है हाँ भाई 10 थीटा चढ़ा है चलेगा 10 थीटा इज इक्वल टू में 3/4 पड़ा है हाँ भाई ये सबको ध्यान पड़ गया ये वाला लाइन की इक्वेशन क्या है ये वाला लाइन की इक्वेशन जल्दी से बोलो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 कोई बताएगा इसका m कितना है इसका m इज इक्वल टू माइनस का 4/3 इसके M2 को मैं क्या मान लूंगा M2 मान लू है ना भाई तो अपने को पता है ये फॉर्मूला क्या था 10 थीटा बराबर 10 थीटा अरे नहीं नहीं क्या था इधर उधर का तो बोल रहे हो हाँ इधर क्या था 10 थीटा इधर तो 10 थीटा था ना वो तो चालू करो आप तो M1 माइनस M2 पे कूदिए इधर क्या था 10 थीटा ना तो 10 थीटा की जगह क्या चिपकाऊंगा 3/4 इज इक्वल टू में कितना मॉड के अंदर कितना है ना M2 प्लस 4/3 और डिवाइड बाय नीचे कितना 1 माइनस 4/3 M2 राइट है और आगे हम प्लस माइनस ले लो क्योंकि मॉड हटेगा तो भी प्लस माइनस दिखेगा लगा लो दो केस फटाफट से हाँ मेरे को तो जानबूझ करके ये तो इस पूरी कहानी के अंदर नहीं तो आपको क्या लगता है ये 3/4 करके मेरे को कोई मजा थोड़ी ना एक जैसा क्वेश्चन करा के मेरे को आपको यही तो चीज बतानी है ये जब भी M2 से M2 कैंसिल आउट हो जाता है ना तो आपका स्लोप इन्फाइनाइट हो जाता है ये तो कमाल की बात है जो मेरे को यहां पे बतानी है इस पूरी कहानी का जो स्टार पॉइंट है ना वो यही तो है कि जब आप M2 से M2 उड़ता हुआ देखेंगे ना तो आपको याद रहना चाहिए कि M2 से M2 हटा नहीं है ये एक्चुअल में M2 हट गया है और स्लोप इन्फाइनाइट हो गया है क्योंकि स्लोप अनडिफाइंड हो गया है ठीक है ना एक काम की चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है
ठीक है ना, याद रखना ये वाला पॉइंट, m2 हटाए इसका मतलब इन्फाइनाइट हो गया। कैसे याद दिलाता हूं किसी को, अगर याद हो तो एक बार हम लोगों ने कहा था कि अगर भाई तो इन्फाइनाइट देने वाले m2 हो जाएं तो हमारे पास एक ही चारा बनता है क्या, कि दोनों m2 को बाहर बुला लो और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है ये तो सर घट रहे हैं, अरे घट तो नहीं रहा है, नीचे पड़ा है, उधर की तरफ तो वन समझ, इधर ये घट रहे नहीं है, डिवाइड में खड़े हैं और डिवाइड के अंदर m2 m2 विल कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर बिकमिंग इनफाइनाइट, वी हैव नो अदर वे अराउंड, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं ना, हमारे पास तो ये बचा है काटा पीटी कर भाई, अब तो m2 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। एक सीन एक बच्चे के दिमाग में स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट बोले तो है कि नहीं, इसका मतलब हाँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। हाँ अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो मतलब ये कि परपेंडिकुलर लाइन हो गई वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, माने लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा ये वाला आंसर निकाला तब तक आपने से किसी ने, ये m2 इज इक्वल टू कितना निकला -7/4 -7/24 है ना भाई, -7/24 और इधर से m2 इज इक्वल टू कितना, ठीक है ना, m इज इक्वल टू में इन्फाइनिटी हो गया तो थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए हम भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बता रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन तो बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन पहली बताओ, पहली y माइनस कितना y प्लस 7 है ना इज इक्वल टू में कितना माइनस का 7/24 इंटू में कितना x प्लस 2। पहली लाइन की क्वेश्चन तो ये होगी और दूसरी लाइन की क्वेश्चन सुननी है मेरे को, इंटरेस्ट तो अपना सबका दूसरे में ही है। हाँ सब बताओ जरा दूसरी लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, बोलो क्या लिखो, y प्लस 7, अरे बोलना मत प्लस बोलते तो उड़ गए, इज इक्वल टू कितना हाँ सुन लिया है कि नहीं, मैं तो यही सुना था इज्जत के साथ, कोई बोला कि नहीं इज्जत के साथ है ना, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये वाली पार्टी जीरो, वो वाली बच गई तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया -2 विच इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहानी पकड़ में आ गई आपको है ना, तो हमने कुछ इससे और लर्न कर लिया है ना, फिर वापिस से कहना ही पड़ेगा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया, कुछ नया मिला है कि नहीं, पुराने तो चलते गए थे है कि नहीं। अगले वाले बात बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पॉइंट है जिसपे अपन को बात करनी थी, लिखेगा पहले मैं आगे निकल जाऊंगा वरना इस पॉइंट से। इफ टू लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड, फटाफट से लिखना, If two lines are equally inclined, with x axis, then their sum of slope equal to zero. हो गया ये वाली बात है ना। हाँ अब जरा इस वाली बात को भी समझा देता हूं, देन देयर सम ऑफ स्लोप इक्वल टू जीरो, ये क्या पंगा हो गया भाई, एक्चुअल में जरा इसको जरा जल्दी समझ लेना। कोई एक लाइन है ठीक है ना, दो लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझना भाई, एक्चुअली इक्वली इंक्लाइंड का गलत मतलब ना निकाला जाए, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जितना एंगल यहां से बना रही है उतना यहां से बना रही है, इसको कहते हैं बराबर झुकी हुई है कि नहीं। हाँ इक्वली इंक्लाइंड, दोनों तरफ से जितना इधर से बनना उतना ही इधर से बनना, इक्वली इंक्लाइंड का पहले तो मतलब समझो, इक्वली इंक्लाइंड ठीक है, ठीक है ना, इसकी फोटो देख लो आप, ठीक है ना, ये बोलना नहीं है अपने को, पहली चीज ये पकड़ में आ जाए इक्वली इंक्लाइंड ऐसा होता है, आप में से कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा अच्छा इक्वली इंक्लाइंड ऐसा होता है क्या, ठीक है ना, ये वाला एंगल जरा समझना भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये अल्फा है, लेकिन अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये इधर से अल्फा है लेकिन वो उधर से अल्फा है, लेकिन ये थोड़ी नहीं चलता है मैथ में, तो सारी चीजें रियल टाइम चलती हैं, तो एक्चुअल में ये वाले का एंगल कितना हो गया पाई माइनस अल्फा, बात पता चल रही है कि नहीं पता चल रही, लेकिन अगर ये वाली चीज पता चल रही है कि अल्फा और ये पाई माइनस अल्फा है, तो आपको कई लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये कि अगर थोड़ा सा और चीजों को देखा जाए तो कैसे आखिरकार चीजों को दिखाएं, आपने से किसी को पता चले तो ये आपका इसका स्लोप m1 कह रहा हूं, इसके स्लोप का नाम देता हूं m2 कह दू, आपने से किसी को पता चले m1 इज इक्वल टू मी 10 अल्फा,
राइट है, और एम टू इज इक्वल टू में, एम टू इज इक्वल टू में टेन पाई माइनस अल्फा, क्या ख्याल है? ठीक है नहीं, इसका मतलब मैं जिस दिन भी एम वन प्लस एम टू करूंगा, है ना, जिस दिन भी एम वन प्लस एम टू करूंगा, तो अपने से कई लोगों को पता है ये कितना बन जाएगा, माइनस का टेन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस माइनस का टेन अल्फा, एंड दैट विल बिकम जीरो, तो सम ऑफ स्लोप इक्वल टू जीरो। कहानी पकड़ मांगी, अगले बार जो तुरंत है ना, नेक्स्ट कहानी, अगला टाइटल ले रहा हूं भाई, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, करो बात है ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, देखिए सब कोई एक लाइन है, फिर इसका कोई नाम भी होगा, बिल्कुल है ना, जनरल नाम है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना भाई, एक नाम सोच लिया मैंने, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, फिर एक पॉइंट भी होगा दुनिया में, और क्योंकि एक पॉइंट है और फिक्स पॉइंट है, तो इसका नाम हो गया एक्स वन आई वन, फिक्स पॉइंट को जो नॉर्मली एक्स वन आई वन के नाम से पुकारते हैं हम लोगों को, क्या चाहिए एक्स वन आई वन की से डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, हाँ मिनिमम डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि आप तो डिस्टेंस इसे भी कह सकते हैं ना, इसे भी कह सकते हैं ना, इसे भी कह सकते हैं ना, इसे भी कह सकते हैं, एंड द मिनिमम विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहली चीज तो ये सबको पता ही है कि मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो बात श्योर है ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा अब आगे की बात, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, माने मेरे को ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, अच्छा अब अगर ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो पहली चीज ये है कि इस डिस्टेंस को हम लोग प्यार से पी कहते हैं, क्या कहते हैं, पी, अच्छा अगर बाय द वे इसे पी कहते हैं तो याद रखना, रिमेंबर ये तो सीधा सीधा, मैं इसका प्रूफ आज के दिन नहीं ले रहा, मैं इसका प्रूफ कल के दिन ले लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को तो अभी इंटरेस्ट इस बात में कि पी आ जाए और पी के बाद इसके क्वेश्चन आ जाए और मैं आगे चलता रहूं, राइट है, तो पी इज इक्वल टू में कितना होता है, पी इज इक्वल टू में क्या करना है, एक्स वन वाई वन उठा करके एक्स और वाई की जगह चिपका दो, पहले कितने लोगों को समझ में आ गया, ये बन जाएगा ए एक्स वन प्लस में कितना बी वाई वन प्लस में कितना सी, ठीक है ना, एंड डिवाइड बाई नीचे एक्स और वाई का कोफिशियंट का स्क्वायर का सम, बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड, मॉड क्यों, ताकि पॉजिटिव आए आंसर सारे, राइट है, कितने लोगों को पी समझ में आ गया, क्या लिखा था मैंने, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में नीचे कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉपी करो, इसके नीचे एक नोट डाल देना, लिख लिया क्या हमने, है ना, हाँ भाई लिख लिया, उधर तमाम चीजें लिखने के बाद में फॉर्मूला जरूर लिख लेना, है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि सारी सजावट वजावट कर ली लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखा, है ना, फॉर्मूला लिख लिया, कितना बोल, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में नीचे कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, कम ऑड, आप तो पूरे पे लगा लो चाहे ऊपर ऊपर लगा लो, पूरे पे लगाओगे तो भी अंडर रूट फटफड़ा के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो पॉजिटिव है लेकिन उसको पंगा ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात इसके नीचे लिख लेना, इफ डिस्टेंस इज आस्क्ड, इफ डिस्टेंस इज आस्क्ड यूज मॉड, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेगा, इफ डिस्टेंस इज गिवन यूज प्लस माइनस साइन, बहुत छोटी परंतु बहुत ही काम की बात है ना, अक्सर जो भूल जाते हैं अपन, याद है ना, एरिया दे रखा हो तो प्लस माइनस लगा के हटाएं, और एरिया अगर बाय द वे पूछा जाए तो हमेशा पॉजिटिव बना के उत्तर दें, मॉड लगा के उत्तर दें, ठीक है, अगले पॉइंट पे आता हूं, ठीक है, हाँ क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा वायबल नोट है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, पहले आप ऐसे एक इन जनरल बात कीजिए, अभी अभी एकदम से क्वेश्चन में नहीं आ रहा, पहले मैं अपनी तरह से बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये वो बेसिक बातें हैं ना जिनके ऊपर हम लोग ये मान के चलते हैं कि यार कम से कम एक इलेवंथ क्लास के बच्चे को आईटी वाईटी बाद में देख लेंगे, है ना, इतना तो आना चाहिए कम से कम, जैसे मान लीजिए एक लाइन दे रखी है एक्स माइनस में थ्री वाई प्लस के अंदर दे रखा है सेवन इक्वल टू जीरो, किसी ने पूछा बताओ सब ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो जीरो से डिस्टेंस पूछा, तो हमने कहा डिस्टेंस को पहले तो पी लिख डाल, ठीक है ना, और क्या करना है, एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो चिपका दे, एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो चिपकाते जीरो माइनस तीन इंटू जीरो प्लस सात हो जाएगा, ठीक है ना, एंड होल डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, इसका कोफिशियंट का स्क्वायर, इसका कोफिशियंट बोले तो एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, बस खत्म,
है कि नहीं, बाकी अपने को सॉल्व करना सबको आता है ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर भाई किसी ने पूछा 1.2 से डिस्टेंस बताओ, तो मैं पी लिखता इक्वल टू में और x की जगह 1 और y की जगह 3 रखता। x की जगह 1 रखते 1 माइनस में, याद है ना, x की जगह 1 मेरे साथ रहना, x की जगह 1 और y की जगह 3 रखते 3 × 2 प्लस कितना 7 और डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या ख्याल है, कहानी पकड़ में आ रही है क्या? अगले बात है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं ना? हाँ, अब इधर आ दो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को करके बताओ, करिए है ना, वो कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ करना है। कितने लोगों को समझ में आ गया करना क्या है? इधर किसी को समझ नहीं है लड़के में, एक एक लड़की है, हाँ है ना। करना तो ये कि x और y की जगह वैल्यू पुट करनी है, किसकी जो पॉइंट है उनको पटक देना, x और y के मुंह पे मार देना कि लो, ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहानी पकड़ में आ गई है ना। तो लिखेगा फाइंड, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ किसका, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 0 0 एंड, ठीक है ना, 1 1 फ्रॉम, लाइन दे रखी है, कौन सी लाइन दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू 5, सॉरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, पहला काम करते हैं 0 0 वाले पे बात करेंगे, रेडी, किससे पूछा जाए है ना, ऐसे आप हाथ मत खड़ा करो, किसी से भी पूछ लेंगे अपन रैंडमली है ना, जब मेरे को ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है। 0 0 से बता दो, बैठ के बता देते यार, तुम अपनी रेट देंगे बैठ जाते माइनस 5 अपॉन √13 सही है क्या? गलत है, सही है क्या? बैठो 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 ना, क्या टेंशन है ना, मैं तो ऐसे रैंडमली उठाए ना भाई, तुम बता दो कितना तुम्हारा, कितना है पीछे वाले का, हाँ 5 √13 सेम ही है ना, ठीक है, सही है क्या? हाँ भाई, कितने लोगों का सही है 5 √13? अब तो देखा, अब तो इसको छोड़ करके बाकी सब ठीक है, ये चालाकी तो चलती है, ठीक है। करना क्या है, x और y की जगह 0 0 पटक देना, p की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 × 0 प्लस में कितना 3 × 0, और एक काम की बात सुनना, ये 5 को इधर उचका के जवाब देना था -5 एंड होल डिवाइड, इसीलिए तो मॉडुलस लगाया जाता है ताकि इधर उधर कुछ ना हो, सिर्फ 0 के साथ ही हो जो भी हो, ठीक है ना। अपॉन में √ में कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 वाले का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना भाई, तो यहां पे सबको पता लग गया ऊपर की तरफ कितना हो गया 5 और नीचे की तरफ √13। हाँ भाई, सेकंड वाले में 1 1 है ना भाई, डिस्टेंस 0 क्यों, अरे इसको सूट करता है, रखो ना एक और एक, तो डिस्टेंस कहां से निकलेगी, 0 पे आ जाएगा बेचारा, कहते मैं तो यही बैठा हूं है कि नहीं। अच्छा, अगर देखा था तो P फिर भी अगर मान लो किसी बालक ने निकाला तो 2 × 1 प्लस में कितना 3 × 1 माइनस में कितना 5 बटे के अंदर कितना √ में 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर की मेहनत और ऊपर से आ गया 0 का जवाब, √13 कुछ नहीं कर पाया, आंसर 0 हो गया, सही भाई। अच्छा, ये तो हुआ यहाँ, बड़ा चीज छोटा सा पॉइंट लिखेगा अगला क्वेश्चन, फाइन नहीं अभी है, आप 7:30 तक तो बिल्कुल मत, मैं नीचे के बच्चे मिस कॉल मारने लग जाता है 7:15 है ना, फिर भी नहीं आता मैं, आप कैसी बातें करो, क्वेश्चन में लिखे, मेरी भी है, मेरी भी क्लास है, लिखेगा फाइन पॉइंट, अक्सर ये होता है, मैं आपको यहां से छोड़ दूं नीचे जाके आप उस लाइन के अंदर खड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब फाइन पॉइंट ऑन, ठीक है ना, पॉइंट ऑन है ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना, हैविंग, ठीक है ना, हैविंग Having unit distance, ठीक है ना, with 4x plus 3y minus 10 equal to 0. Having unit distance with 4x plus 3y minus 10 equal to 0. कर लो। ये कहानी क्या है? कहानी समझा देता हूँ। बहुत आसान कहानी है। देखिए सब पॉइंट दिया है या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया साहब। उसने ये कह के छोड़ दिया कि पॉइंट इस पे, पॉइंट इस पे तो कुछ भी हो सकता है ना, अब मैं मान तो सकता नहीं कि भाई यही वाला पॉइंट है, कहता है कोई इस पे कोई पॉइंट है, इस पे कोई पॉइंट है जो
इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस बोल दो एक दूरी पे है, इसका मतलब पी इजिकल टू एक है, पी इजिकल टू एक है, वो बाद में करेंगे ठीक है, पी इजिकल टू एक है। अच्छा और दूसरी बात क्या कि हम लोगों को पॉइंट नहीं दिया गया, तो मैं अपनी तरफ से सबसे पहला काम करूंगा लेट पॉइंट इज, लेट पॉइंट क्या मानूंगा एक्स वन वाई वन हक मान लेते, चलो एच के ठीक है भाई हक, अगर लेट पॉइंट इज एच के, अगर पॉइंट मैंने एच के मान लिया तो एच के की इससे दूरी एक है, एच के की अगर इससे दूरी एक है तो मैं तो फॉर्मूले के अंदर बिल्कुल एच के को वैसे ही रखूंगा जैसे अब तक मैं जीरो जीरो और एक एक को रखता है, तो जैसे मैं एच को यहां रखूंगा ये हो जाएगा फोर एच प्लस में कितना थ्री के माइनस का कितना टेन डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना पांच, और अगर ऐसा है तो मैं इसको इधर ले जाऊं, तो मैं अगर इसको इधर लेके जाता हूं तो 4h प्लस के अंदर कितना 3k माइनस का 10 का मॉड इक्वल टू 5, और यहां से दो केस खुल गए क्यों, क्योंकि मॉड रखते प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो यहां पे कितना पकड़ना आएगा 4h प्लस के अंदर कितना 3k माइनस 10 इक्वल टू 0 एक तरफ से इक्वल टू 5, और दूसरी तरफ से कितना आएगा 4h प्लस में कितना 3k माइनस का 10 इक्वल टू कितना माइनस 5 है ना, लेकिन इससे हो क्या जाएगा सर, मैंने कहा देख एक लाइन और लिख लेंगे फिर तेरे को बताता हूं क्या होगा, यहां पे कितना हो गया 15 और यहां पे कितना हो जाएगा 4h ठीक है ना प्लस में 3k इज इक्वल टू कितना 5 राइट भाई। अब काम की बात सुनना, काम की बात सर, एक ही तो इक्वेशन ही तो आ रही है, आगे करोगे क्या, मैंने कहा लेकिन एक बात सोच, मैंने एच के किस पे माना था इस लाइन पे ठीक है ना, तो पूरी बात यहां लिख लेते हैं लेट एच के इज लाइंग ऑन, लाइंग ऑन वॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख ले भाई, एच के इस लाइन पे था, अगर एच के इस लाइन पे था तो इसे सूट करेगा ठीक है ना, लिख लेते हैं सूट करेगा, अगर सूट करेगा तो कैसे करेगा रख दो बता देगा वो कैसे रख करूंगा सूट, लो एच प्लस के इक्वल टू 4 और फिर मैं क्या रखूंगा यहां रखूंगा एच प्लस के इक्वल टू 4, इसको जिस दिन मैं यहां लाऊंगा तो मैं भी समझदार हूं अपने सब समझदार घरों से सबको पता है यहां पे क्या लिखना है 4h प्लस में कितना 4k इक्वल टू में कितना 16 क्यों, ताकि एच और के की वैल्यू निकालनी है ना, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और सेम केस इधर भी रखूंगा 4h प्लस में कितना 4k इक्वल टू कितना 16 नाउ सॉल्व बोथ द इक्वेशन फाइंड एच एंड के, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा ठीक है ना, फाइंड एच के मिल गया, हाँ भाई माइनस 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 67 यहां पे कितना बचा माइनस के इजिकल टू में कितना बचा माइनस 1 इसका मतलब के इजिकल टू 1 के इजिकल टू 1 यहां रखता हूं तो एच इजिकल टू कितना आ गया 3 तो पहला पॉइंट तो आ गया 3.1 राइट भाई। अच्छा दूसरी तरफ दौड़ता हूं इधर की तरफ माइनस करता हूं माइनस करता हूं माइनस करता हूं माइनस करते ही दोनों 67 यहां से क्या उतरेगा माइनस के इजिकल टू कितना माइनस 11 माने के इजिकल टू कितना आ गया 11 के इजिकल टू 11 अगर मैं यहां रखता हूं तो एच इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस का 7 ठीक है तो पॉइंट कितना निकलेगा माइनस 7.11 माने वी हैव टू पॉइंट्स ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दोज हु आर हैविंग द डिस्टेंस ऑफ 1 विद द गिवन लाइन ठीक है ना, गिवन लाइन से दो ऐसे पॉइंट निकले एक लाइन पे जो 1-1 की दूरी पे थे और वो अलग अलग दुनियाओं में थे, कहानी पकड़ में आ गई आपको है ना। अच्छा अब आज के दिन का काम बता देता हूं, जो भी आपका काम है वो क्या क्या है, आप आज के दिन मेरे को जो है वही 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 क्वेश्चंस आज के दिन आपको जो करने ही करने हैं ठीक है, कुछ पहले के दिए हुए होंगे और कुछ नए दे दूंगा, अगर कोई पुराना है तो परेशान मत होना, जैसे मैं आपको दोबारा से दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर नहीं पता एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 9-11 ये मैं पहले दे चुका हूं दोबारा दे रहा हूं ठीक है भाई। उसके बाद 13 ठीक है 14-15 ठीक है 16 16 के बाद में 21 मैं करवा चुका हूं और अपनी डिस्कस भी अभी हो गया 22 हो गया हाँ भाई 23 हाँ ये वैसे मैं करवा चुका हूं लेकिन फिर भी है 23 के बाद में 24 नहीं लेकिन सेकंड एक्सरसाइज में आ जाओ सेकंड एक्सरसाइज में
सेकंड सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हो सकता है क्या अभी? फर्स्ट क्वेश्चन कहां गया आपका? सेकंड एक्सरसाइज का हम ये सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? और सेकंड करना है नहीं रे, कुछ पुराने भी तो दिए। और फोर्थ करना है।